अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज आपके साथ बहुत सिंपल पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये कोई नॉर्मल पूरी तो जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं है। हम बनाने वाले हैं आज सूजी से इस पूरी को, और बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी बनने वाली, क्योंकि फिर मेरे पास बहुत सारी सूजियाँ रखी हुई थी तो मुझे इसका यूज़ तो करना था, वेस्ट तो करना बिल्कुल नहीं था। तो मैंने क्या किया ना, एक भर के एक कटोरी, जो भी जिससे भी आप मेजर करना चाहते हो नाप लो, मैंने एक कटोरी भर कर यहाँ पर सूजी लिया है, और उसी कटोरी से कम मैंने लिया है मैदा। आप चाहो तो आटा भी ले सकते हो। और फिर मैंने डाला इसमें धनिया, कुटी हुई मिर्च, और बस नमक डाल के हमें इसका डो लगा लेना है। पानी आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा। इसके एक रफ सा डो बनाना है हमें, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंद रही हूँ। नॉर्मल जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, हमने वैसे ही लगाना है, बस पानी की क्वांटिटी बहुत कम रखना है। अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से लिया था उसी कटोरी से आप ले लीजिए, हाफ मैंने पानी इसमें यूज़ किया है। और बस हाथों की मदद से मसल मसल के हमने इसमें पानी ऐड किया है, और हम यहाँ पर डो भी लगा रहे हैं इसी तरीके से। क्योंकि फ्रेंड्स पूरी का नॉर्मल आटा अलग लगता है, पूरी का अलग लगता है, भटोरे का अलग लगता है, और ये तो जाहिर सी बात है सूजी है, सूजी हमारी पानी सोखती है। तो बस हाथों की मदद से हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, बाद में सॉफ्ट अपने आप हो जाएगा। और बस हमने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के हमने अच्छे से इसे गूंद लेना है। गूंदने का तो कोई वैसे प्रोसेस है नहीं फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने साइड साइड का सारा निकाल लेना है। और बस कपड़े को गीला करना है हमने, कपड़े को गीला करने के बाद इसे कवर करना है। जितना ज़्यादा आप इसे देर तक रखोगे फ्रेंड्स उतना ज़्यादा ये अच्छा होगा। तो मैंने रखा था इसे 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था तो मैंने इसे गूंद के छोड़ दिया था। और उसके बाद मुझे पता ही नहीं था इसका आधा ऑलरेडी यूज़ हो चुका था, पूरी इसकी ऑलरेडी बन चुकी थी। फ्रेंड्स मैंने सोचा था अगर इसकी पूरियाँ नहीं बनेगी तो इसका कुछ और बना लूँगी, वेस्ट तो हमने करना नहीं था, कुछ ना कुछ बनता है इसका। लेकिन जब मैंने पूरियाँ बना के ट्राई किया था ना, तो पूरियाँ ही बहुत अच्छे से बन गई थी, क्योंकि मैं पहले हमेशा ट्राई कर लेती हूँ कुछ चीज़ बनाने से पहले ही। तो यहाँ पे हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि हमने इसी पर बेलना है। तो बस नॉर्मली हमने जो पूड़ी की तरह बेलते हैं, बस उसी के तरीके से हमने बेल लेना है। पतला नहीं बेलना है हमने, मोटे ही बेलना है। पतला बेलोगे ना तो पापड़ी की तरह हो जाएगी, हल्का मोटे ही रखना है हमने। और इसे अब मैदा लगाने की, ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं ना, मैंने तो बस ऐसे ही लगा दिया था। जब आप खुद बनाओगे ना फ्रेंड्स तब आपको पता चलेगा। तो ऐसे एक एक करके हमने सबको लगा लेना है, पूरियाँ अच्छे से सबको बेल के हमने। गाइस एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है, हमने गीले कपड़े से ही उस कपड़े को उस हमारे डो को ढक कर रखना है, ताकि अच्छे से ये फूल जाए। और बस एक एक करके पूरियाँ मैंने सारी बेल ली थी, और क्योंकि एक एक करके बेलती फिर फ्राई करती तो बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, और सारी पूरियों को मैंने यहाँ पर बेल लिया था। बेलने के बाद एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ, सब पूड़ियाँ बहुत इजीली बेल गई थी, चिपकी ज़रा भी नहीं थी, और हमारे ऑयल भी बहुत अच्छे से हीट हो गया था। और सबसे बड़ी बात, ये ऑयल भी अब्जॉर्ब नहीं करता है, ज़्यादा ऑयल नहीं अब्जॉर्ब करता है फ्रेंड्स। आप इससे किसी की चीज़ भी साथ खा सकते हो, आसान भी होने लगी है फ्रेंड्स। तो बस आई होप मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ऐसे सिंपल सिंपल रेसिपीज लाती रहूँगी। हमने तो इसे चाय के साथ खाया, आप इसे किसके साथ खाएंगे कमेंट करना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।